वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एवेलुएट हमने करना है। हमारे पास ब्रैकेट में 303 है, यहाँ पर 2/3 है। तो हम इसको पहले राइट कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जस्ट हम राइट करने लगे हैं 303 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं और इसको इस तरह से 2/3 राइट कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। अच्छा, आप इसमें ना ये भी काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर दो, नीचे 3 लिखो, फिर दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कटिंग का काम करती हूँ, वो भी इजी हो जाता है। आप दोनों तरह से कर सकते हो। हम कट कर देते हैं इसको 3, इससे दोनों को सेम टेबल से कट करते हैं। हम 3 से कट कर देते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 कितने टाइम 3 होता है 1 टाइम, ये 0 का 0 आ गया। 3 कितने टाइम 3 1 टाइम। क्या रह गया हमारे पास, ऊपर 101 रह गया, मल्टीप्लाई 2 रह गया। 101 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 202। इस तरह से आंसर आया। समझ आया, क्या किया हमने, इसको राइट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2/3 आ गया। फिर अगेन इसको राइट किया और 3 से कट कर दी। 3 1 टाइम 3, 3 कितने टाइम 3, 0 3 होता है 101 टाइम। 101 रह गया और 2 रह गया, दोनों को राइट किया और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।